गति भाग तीन, दिशा के साथ चाल। पिछले वीडियो में हमने एक समान गति तथा असमान गति और चाल के बारे में जाना। इस वीडियो में हम दिशा के साथ चाल या वेग यानी वेलोसिटी और वेग में परिवर्तन की दर या त्वरण यानी एक्सेलरेशन के बारे में जानेंगे। माना कि एक वस्तु निश्चित चाल से चल रही है, माना कि 10 मीटर प्रति सेकंड। अब चाल के साथ साथ यदि हम गति की दिशा को भी व्यक्त करते हैं तो इस पूरी राशि को वेग कहा जाता है। तो किसी वस्तु की निश्चित दिशा में दूरी तय करने की दर को वेग कहा जा सकता है, या केवल दिशा के साथ चाल को वेग कहा जाता है। तो यदि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, ये इसकी चाल होगी। लेकिन जब हम कहते हैं कार की चाल पूर्व की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये वेग बन जाता है। चाल बराबर तय की गई दूरी बटा लिया गया समय। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग का एसआई मात्रक भी चाल की तरह ही मीटर प्रति सेकंड होता है। अब वेग भी एक समान और असमान हो सकता है। किसी वस्तु का वेग इसकी चाल या गति की दिशा या फिर दोनों में परिवर्तन से बदल सकता है। यदि एक वस्तु किसी वेग से चल रही है जो कि समय के साथ बदल रहा है, हम इसकी गति की दर में परिवर्तन के परिमाण को औसत वेग से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक औसत चाल की तरह, जिसे हमने पिछले वीडियो में समझा था। यदि किसी वस्तु का वेग एक समान दर से बदल रहा है, तब दिए गए प्रारंभिक तथा अंतिम वेग के अंक गणितीय माध्य के द्वारा इसके औसत वेग को निकाला जा सकता है। औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा दो। गणितानुसार V एवरेज बराबर U प्लस V बटा दो, जहां V एवरेज औसत वेग है, U प्रारंभिक वेग और V अंतिम वेग है। क्या तुमने किसी गाड़ी में स्पीडोमीटर देखा है? ये क्या मापता है, चाल या वेग? पहले हमने गति की दर के बारे में पढ़ा था, जो दिए गए समय अंतराल में किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर होती है। अब हम वेग में परिवर्तन की दर के बारे में पढ़ते हैं। माना कि एक गाड़ी एक समान गति में है और एक सीधी सड़क पर चल रही है। इसका वेग समय के साथ नहीं बदलता है और स्थिर रहता है। समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन शून्य है। अब माना कि यदि गाड़ी की गति असमान है और इसलिए समय के साथ इसका वेग बदलता है, तो दिए गए समय अंतराल में वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता। वेग में परिवर्तन की इस दर को दर्शाने के लिए यहां एक और भौतिक इकाई होती है, जिसे त्वरण कहा जाता है। तो किसी वस्तु का त्वरण इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप होता है, अर्थात त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यदि किसी वस्तु का वेग t समय में प्रारंभिक परिमाण u से बदलकर अंतिम परिमाण v हो जाता है,
तो इसका त्वरण a बराबर v माइनस यू बटा t होता है। इस प्रकार की गति को त्वरित गति कहा जाता है। त्वरण को धनात्मक लिया जाता है यदि ये वेग की दिशा में हो, और इसे ऋणात्मक लिया जाता है यदि ये वेग की विपरीत दिशा में हो। ऋणात्मक त्वरण को रिटार्डेशन कहा जाता है। यहां भी त्वरण या तो एक समान या असमान हो सकता है। माना यदि एक गाड़ी विराम से चलना प्रारंभ करती है, ये एक नियत त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से एक सीधी सड़क पर चलना प्रारंभ करती है। t बराबर 1 सेकंड पर कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है। t बराबर 2 सेकंड पर कार का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है। जैसा कि समान समय अंतराल में इसका वेग समान रूप से बढ़ता है, इस प्रकार के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। दूसरी तरफ यदि उसी गाड़ी का समान समय अंतराल में असमान रूप से वेग बढ़ता है, तो गाड़ी को असमान त्वरण से चलते हुए माना जाता है। और एक उदाहरण देखते हैं। एक गेंद को अपने घर की छत पर ले जाओ और इसे छोड़ दो। तुम देखोगे कि गेंद एक समान त्वरित गति में है। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण स्थिर है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में तुम अध्याय 10 में पढ़ोगे। अब कुछ उदाहरण देखते हैं। एक, त्वरण गति की दिशा में है। यहां जब चालक त्वरण पावदान को दबाता है, गाड़ी विराम से प्रारंभ होती है और चाल बढ़ने लगती है। यहां त्वरण धनात्मक है। दो, त्वरण गति के विपरीत दिशा में है। एक चलती हुई गाड़ी को देखते हैं। चालक ब्रेक लगाता है और गाड़ी धीमी हो जाती है। हालांकि गाड़ी की गति की दिशा दाईं तरफ है, लेकिन त्वरण विपरीत दिशा में लग रहा है। यहां हम कह सकते हैं कि त्वरण ऋणात्मक है। तीन, त्वरण एक समान है। जब चालक त्वरण पावदान को दबाता है और इसे नियत स्थिति में बनाए रखता है, तो गाड़ी की चाल एक समान दर से बढ़ती है। चार, त्वरण असमान है। अब अलग अलग समय अंतराल में चालक बार बार त्वरण पावदान को दबाता है और छोड़ता है, जिससे चाल में वृद्धि के साथ गाड़ी में झटके शुरू हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने दिशा के साथ चाल या वेग यानी वेलोसिटी और वेग में परिवर्तन की दर या त्वरण यानी एक्सेलरेशन के बारे में जाना।